Hi guys, what's up my YouTube family? So आज बहुत दिनों के बाद आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाने के लिए निकला हूँ और आप मौसम देख सकते हैं आज कितना अच्छा है। So guys, सॉरी बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग लेकर आया हूँ। क्या करूँ यार गाइस, थोड़ा काम में बिजी रहता हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता बिल्कुल। पर इतना प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद व्लॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो आज हम लोग जिस जगह पर जा रहे हैं उसके बारे में आपको क्या बताऊँ मैं, आई थिंक डायरेक्ट दिखाना ही सही रहेगा। आजकल हम सस्पेंस बहुत खेल रहे हैं, तो चलिए आपको रास्ते में जगह के बारे में भी बताते रहेंगे। ताजोबा दरबार के, और ये एक रास्ता आप देख सकते हैं सावनेर की तरफ है जो रास्ता, इधर से भी आ सकते हैं आप और एक दूसरा आदासा की तरफ से है। चलिए आगे, अब यहाँ पर सिग्नल लग गया है ट्रेन के लिए, तो रुकते हैं। पहले बिल्कुल हाईवे था और अब कैसे कच्ची सड़क आ गई है बिल्कुल। हम गांव के अंदर से जा रहे हैं अभी, और एक छोटा सा पहाड़ टाइप का जो आप देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत सुनसान है बिल्कुल जगह। आप देख सकते हैं जैसे एक आध लोग आपको दिखाई देंगे रास्ते पे और कुछ नहीं, चारों तरफ जंगल है। और इस जगह के बारे में कहा भी गया है कि ओकेजनल टाइगर साइटिंग भी होती है। आई थिंक अब तक तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलिए नहीं किया तो फिर कोई बात नहीं, आगे आपको जगह ही डायरेक्ट दिखाएंगे। आखिरी के 10 मिनट बचे हैं बस जगह पे पहुंचने के लिए, जगह तो अब भी नहीं बताने वाले हम आपको। और आप देख सकते हैं रास्ते पर आजू बाजू खेत, बिल्कुल हरियाली ही हरियाली है, पर रास्ता बहुत सुनसान है। एक आध गाड़ी की आपको दिखाई देगी, नहीं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत ही शांत। यहाँ के लोग कितना फ्रेश एयर में जीते होंगे सुबह सुबह, बहुत ही ये सब चीज़ें हमें सिटी में देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं खेकरा नाला। अभी तक मैंने आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग दिखाई थी, अब थोड़ा ट्रैकिंग भी कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं बकरियाँ गाय दोनों मिलके चर रहे हैं घास, बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पे वैसे पॉपुलेशन इनकी, देखिए आप। चलिए अब और थोड़ा ट्रैकिंग जो बचा हुआ है उसे पूरा करते हैं। एक बात तो बोलने लायक है, खेकरा नाला जगह बहुत ही प्यारी है, बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि दूर है बहुत ज़्यादा नागपुर से। हमें नागपुर से करीब 45 से 50 किलोमीटर है,
जो पूरा करने में हमें करीब एक घंटे का वक्त लगा, पर रास्ता बहुत ही प्यारा था। शुरू शुरू में थोड़ा लगा कि बारिश हो जाएगी, पर फिर बाद में मौसम बदल गया तो फिर धूप ही आ गई, और अभी फिर मौसम एकदम बदली आ चुकी है। इतनी सुंदर जगह में भी यार लोग कचरा कर देते हैं, सही नहीं है यार। आप लोग खुद ही देख लीजिए। अब हर एक ट्रिप में एक ना एक प्रॉब्लम होती है, आप लोगों के साथ भी हुई होगी, तो हमारे साथ भी आज सेम चीज हुई है। आज ही के दिन बिल्कुल डैम बनता। हम लोगों ने वैसे पढ़ा था यार हमेशा चालू रहता है डैम, पर आज इलेक्शन डे की वजह से बंद है। और वैसे आज मैंने भी वोट किया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। वो माता, It was at this moment he knew. He fucked up. ये भी भाग गई यार। अरे हैवान हो गए हम तो जैसे। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. 5 minutes later. इतनी दूर आपसे मिलने के लिए आए हैं हम। ओ गो माता। तो अब हम लोगों का खेकरा नाला देखना हो चुका है और निकलने ही वाले थे, तो हम लोगों ने सोचा कुछ खा भी लेते हैं। तो मैं और मेरे कज़न खा रहे हैं पकौड़ा और मैगी, बस इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और मैंने आज आप लोगों को खेकरा नाला दिखाया। ज़रूर रेट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये जगह। ये फिर मिलते हैं अगले व्लॉग तक के लिए। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली। गाइस एक बात और कहनी थी यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, व्लॉग्स ला रहा हूँ आपके लिए नए नए, थोड़ा लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा यार मेरे व्लॉग्स को। करेंगे ना यार आप लोग।